अतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। हमारे भक्ति काल के कबीरदास जी, सूरदास जी, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, सुखुबाई जी, तुकाराम जी, इन्होंने बहुत कुछ दिया हमारे समाज को, हमारे साधकों को। आज ऐसी ही चर्चा हम करने जा रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्खा, ओहो तजे सो फिर लाला। कंचन मने धन दौलत के प्रति जो आकर्षण है, जितना जरूरत है वो तो ठीक है, जो लोभ है वो कहते चलो फिर भी छोड़ा जा सकता है, और स्त्री के प्रति जो आकर्षण है या पुरुष के प्रति जो अट्रैक्शन है इसको फिर भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि स्थूल है ना, बाहर में दिखाई दे रहे हैं ना, इनको दूर रखा जा सकता है। लेकिन कहते हैं मान बढ़ाई ईर्खा, अपना मान सम्मान, अपनी तारीफ सुनना और दूसरे की प्रोग्रेस को देखकर जलना, ये कहते तजे सो बिरला हो, को बिरला होता है जो इसको छोड़ पाता है। आज इसी संबंध में, मान सम्मान के संबंध में, प्रतिष्ठा के संबंध में हम अनुकीर्तन करने जा रहे हैं उस दिव्य वाणी का, जो दिव्य वाणी हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कार्तिक मास के द्वितीय आम कीर्तन के अवसर पर कही। आइए उनके चरणों में उपस्थित होकर इस डिवाइन ग्रेस की जो दिव्य वाणी है उसका श्रवण करें। सब त्याग करिले छाड़ा सुकठिन प्रतिष्ठा के जत्न पाइबे प्रवीण, और वी कैन गिव अप एवरीथिंग बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप डिजायर फॉर नेम एंड फेम, देयर इज ए लास्ट स्नेयर ऑफ माया। इफ यू कैनॉट गिव अप दैट यू कैनॉट हैव प्रोग्रेस इन डिवोशनल प्रैक्टिस। प्रतिष्ठा त्याग जत्न पाइबे प्रवीण। आपने सुना महाराज श्री ने कहा कि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं सर्व त्याग कर लो छाड़ा सुकठिन, सब कुछ छोड़ा जा सकता है, प्रयास करके साधना करके छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, वो क्या है? प्रतिष्ठा सा त्यागे जत्न पाइबे प्रवीण, प्रतिष्ठा की जो आशा है। इस दिवान के श्री भक्ति विनोद तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की इस वाणी को उद्धृत करते हुए कहा कि हम सबको छोड़ सकते हैं लेकिन अपने मान सम्मान की लालसा छोड़ना बहुत कठिन है। देखो अगर हम भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की वाणी कि जो मान सम्मान की लालसा है, ये जो प्रतिष्ठा की लालसा है, ये जो अपनी तारीफ करवाने की जो इच्छा है या अपनी तारीफ सुनने की जो इच्छा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ ये बात गुरु महाराज जी ने जरूर कही कि इसको छोड़ना कठिन है पर इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु महाराज जी ने तो यहां तक कहा लास्ट स्नेयर ऑफ माया, ये एक तरह का माया का आखिरी फंदा है, ये आखिरी जाल है। आखिरी जाल आप लोगों ने सुना होगा परमाराध्य शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपनी अंतिम वाणी में हमें कहा था कि भजन में तीन तरह की रुकावटें हैं, कनक, कामनी और प्रतिष्ठा। कनक माने रुपया पैसा, कामनी माने स्त्री या दुनिया के जो भोग है, और प्रतिष्ठा वाह मतलब वहां पर भी
परम आराध्य श्रील भक्ति देव माधव गोसाई महाराज जी ने कहा कि जो कनक कामनी है छोड़ना मुश्किल है, फिर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो प्रतिष्ठा है ना बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत अंदर घुसी होती है, बाहर में नहीं दिखाई देता, लेकिन वो प्रतिष्ठा की आशा अंदर घुसी होती है। इसलिए श्री गुरु महाराज दिवान के श्री भक्त व्रति गोसाई महाराज जी ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया, लास्ट स्नेयर ऑफ माया। अगर इस बंधन से, इस जाल से, इस फंदे से हम निकल जाएं, फिर भी निकल गए। और आगे आपने सुना गुरु महाराज जी ने कहा, अगर आप ये नहीं छोड़ पाओगे, यानी कि प्रतिष्ठा की भावना नहीं छोड़ पाओगे, मान सम्मान की जो इच्छा है उसको नहीं छोड़ पाओगे, यू कैन नॉट हैव प्रोग्रेस इन डिवोशनल प्रैक्टिस, आप भजन में उन्नति नहीं कर सकते। तो हमें भजन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, डिवोशनल प्रैक्टिस में प्रोग्रेस लाने के लिए, हरि भजन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए, वैष्णव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे वैष्णव ठाकुर हम पे कृपा करें, मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं इसको भी पार कर जाऊं। गुरुजी मुझे ताकत, अच्छा गुरुजी तो चाहते हैं भजन करें, हम अगर दिल से चाहेंगे तो गुरुजी की अवश्य कृपा होगी, भगवान की अवश्य कृपा होगी। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो वाणी श्री गुरु महाराज जी लास्ट में कही वो है, प्रतिष्ठा त्यागे यत्न पाइवे प्रवीण। प्रवीण माने जिनको परफेक्शन है, जिनको गुरुजी कृपा है, जो एक्सपर्ट है, जिन पर वैष्णव ने तह दिल से कृपा करी है, ऐसे जो प्रवीण हैं, वो प्रतिष्ठा की जो आशा है उसमें अगर थोड़ा सा भी यत्न करेंगे तो पार आ जाएंगे। तो आज का ये जो अनुकीर्तन, आज के इस अनुकीर्तन में हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति विनोद गोसाई महाराज जी ने स्ट्रेस किया कि प्रतिष्ठा की भावना को हटाएं, ये जो मान सम्मान की लालसा है इसको हटाएं। अगर आप अपनी चेष्टा से नहीं हटा पा रहे हैं, गुरु वैष्णव से कृपा प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, वो आपको ताकत दें और आप इस जो बंधन से, इस रुकावट से निकल जाए और बड़ी तीव्र गति से हरि भजन में उन्नति करते हुए भगवान के प्रेम को प्राप्त करें। आज के अनुकीर्तन में इतना ही। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति विनोद तीर्थ गोसाई महाराज की जय।